आज मैं शेयर करने वाली हूँ दानेदार सूजी के लड्डू। उससे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन किचन थीम में। तो लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है सूजी लगभग 250 ग्राम। इसको मैं भून लेती हूँ, तो मीडियम लो फ्लेम पे इसको भूनेंगे जिससे सूजी जले नहीं, और इसको लाइट पिंक कलर में हमें करना है तो सूजी पक भी जाएगी और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो इसको भून लेते हैं। यहाँ पे सूजी हमारी पिंक कलर की हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे, एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और यहाँ पे हम इसमें मिलाएंगे 1/2 लीटर दूध जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे है, और सूजी हमारी गर्म है तो गर्म सूजी के अंदर ही हम इस दूध को मिक्स करेंगे जिससे ये अच्छे से फूलेगा इसके अंदर और दूध का फ्लेवर जो है सूजी के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से मिक्स करके इसको रख देंगे रेस्ट करने के लिए लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। तो इसको रेस्ट करने देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं मिक्स ड्राई नट्स लगभग 1/2 कप। 1 कप डालेंगे इसमें ग्रेटेड नारियल, और नारियल से टेस्ट अच्छा आ जाता है तो एक बार इन दोनों को एक साथ हम रोस्ट कर लेंगे। तो ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा इनको भूनना है लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। तो जब तक ये भुन रहा है, चैनल पे आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मैं और रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो ये भुन चुका है, अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में सूजी और दूध को ट्रांसफ़र कर लिया है। साथ में मैंने यहाँ पे डाला है 1/2 कप देसी घी। आप चाहें तो मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं, मलाई और घी में से कोई एक ही चीज़ यूज़ करिए। तो यहाँ पे मैंने घी का यूज़ किया है, और आप देख पा रहे होंगे कि सूजी ने दूध को बिल्कुल ही एब्जॉर्ब कर लिया है, और ये देखिए भूनते हुए लगभग मेरे को 5 मिनट हो गए हैं और ये सूजी भी हमारी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर मिला देंगे जो हमने रोस्ट करके रखा था ड्राई नट्स और नारियल। तो इसको भी अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। आप देख पा रहे होंगे कि कैसे दानेदार ये दिख रहा है, और इसका बहुत ही टेस्टी लड्डू बनके तैयार होता है। इसमें आपको कोई मावा, कोई चाशनी कुछ नहीं बनाना है, सिंपल तरीका है और बहुत ही टेस्टी लड्डू बनके तैयार होगा। आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अच्छे से मिक्स हो गया है, और सूजी भी हमारी बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसको अब नीचे उतार लेती हूँ। तो 7 से 8 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पे इसको भूनने के बाद इस तरीके की कंसिस्टेंसी आ जाएगी इसके अंदर और ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, और इसको ठंडा कर लेते हैं। तो जब ये आधा से ज़्यादा ठंडा हो जाए तो इसके अंदर हम पाउडर शुगर मिला देंगे। ज़्यादा गर्म पे चीनी नहीं मिलाना है, नहीं तो चीनी से भी पानी रिलीज़ होगा और ये आपका मिक्सचर जो है बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा और इसमें आप इसका लड्डू नहीं बना पाएंगे ईज़िली। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल लड्डू वाला हमने मिक्सचर तैयार किया हुआ है और इसके अब लड्डू बना लेते हैं। तो एक छोटा पोर्शन लेके हम इस तरीके से इसके बॉल बनाएंगे, लड्डू का शेप दे देंगे, और ये बनता बहुत ही जल्दी जल्दी है। तो आप भी एक बार रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करिए। आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही है मेरी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो इस तरीके से हाथों पे लेके हम रोल रोल करेंगे तो इनमें परफेक्टली शेप आ जाएगा, और ये देखिए इस तरीके से ये बन जाएगा। चूँकि ये बहुत सॉफ्ट होता है तो आपको बिल्कुल केयरफुली इसको बनाना है। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल परफेक्ट शेप आया है और बहुत ही टेस्टी लड्डू बन के तैयार हुआ है हमारा। तो आप भी इसको एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करिए, और आप इसको गार्निश करना चाहते हैं तो ऊपर से हल्का सा फूड कलर आप यूज़ कर सकते हैं, या आप ड्राई नट से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप मैंने कितने ढेर सारे लड्डू बना के तैयार किए हैं। तो आप भी ट्राई करिए, और तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए जिससे मैं और रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर पाऊँ। गुड बाय, टेक केयर।